हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट टू कम्युनिकेशन स्किल, पार्ट वन में बना चुका हूँ जिसमें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि कम्युनिकेशन का क्या महत्व है जीवन में। कम्युनिकेशन को लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस कहते हैं। जिस तरह से खून की कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होता है, जीवन खत्म। उसी तरह से अगर बोलचाल की भाषा में, डे टू डे लाइफ में अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, आप बातचीत नहीं कर पाए, सही बातचीत नहीं कर पाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो, आप बात को समझ ही नहीं पाए, तो नेचुरल है उसका जवाब भी नहीं दे पाओगे, आंसर भी नहीं दे पाओगे, रिप्लाई भी नहीं कर पाओगे, तो सारा कम्युनिकेशन फेल है ना। एग्जाम में अच्छे से आप नहीं लिख पाए, क्वेश्चन नहीं समझे, नहीं लिख पाए, गलत हो गया, फेल हो गए। इंटरव्यू में आप सही तरीके से नहीं बोल पाए, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन नहीं समझ पाए, आप फेल हो गए। तो जीवन में बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी ने कुछ आपको फ़ोन पे बोला, आपने गलत उसको इंटरप्रेट किया, आप नहीं समझ पाए, आपने कुछ और माल भेज दिया, वो वापस रिजेक्ट हो गया, आपको नुकसान हो गया। इस तरह से कम्युनिकेशन का जीवन में बहुत महत्व है जो कि आपको समझना है। और उसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में, एक होती है अंडरस्टैंडिंग, समझना, और दूसरा होता है फीडबैक, मतलब रिस्पॉन्स, आंसर, रिप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पर ही फीडबैक होता है। कम्युनिकेशन में दो लोगों की जरूरत होती है किसी भी कीमत पे। वन वे कम्युनिकेशन कभी कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। जिस तरह से एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, कितना भी कोशिश कर लो ताली बजा पाओगे, आप नहीं बजा पाओगे। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, वो लॉजिक समझना है कि आज जो मैंने बताया या मेरा जो भी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे है, 60-70 वीडियो है, उसको आप देखो, सब में लॉजिक है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक, वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आपको पसंद आया तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, सो दैट के सारे दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव सबके पास पहुंचे, और सब लोग देखें, और सब लोग इन्जॉय करें, लर्निंग ले उससे, और उसको आगे अपने जीवन में अपनाएं। तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टू वे कम्युनिकेशन, मतलब टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। दो आदमी की जरूरत है, सेंडर और रिसीवर। सेंडर मैसेज भेजता है, सेंडिंग, सेंडर मतलब भेजने वाला, उसने मैसेज भेजा। रिसीवर जिसने रिसीव किया, प्राप्त किया, उसको समझ में आना चाहिए, और फिर तब वो समझ के उसका रिप्लाई करेगा। अब आपके सामने पार्ट वन की तरह इसमें भी एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन वन था जिसमें मैंने कहा था कि कैसे एक बॉस सेक्रेटरी को बोलता है कि भाई आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, सो टेक एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ द मिनट्स। आपको एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ द मिनट्स लेना है, उसका उसमें क्या जवाब दिया वो वीडियो जरूर देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझने के लिए बहुत अच्छा एक्टिविटी है उसमें, सिचुएशन वन। और ये सिचुएशन टू है, इसमें भी बॉस सेक्रेटरी से कहता है, आप मान आप ही बॉस हैं, आप अपने सेक्रेटरी को बोलते हो टेक दिस पेपर एंड बर्न इट, टेक दिस पेपर, आप ये कागज लो और बर्न इट। सेक्रेटरी आपका पर्सनल असिस्टेंट, पीए, जिस भी नाम से आप जानते हैं, उसने पेपर लिया है ना, और उसको माचिस जलाकर जला दिया। आपके हाथ में 30 सेकंड के अंदर पूरा राख आपके हाथ में है। बॉस ने क्या कहा, ध्यान देना है कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे गड़बड़ क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि आपने सेंडर, यहाँ पे बॉस सेंडर है, मैसेज भेजने वाला है, सेक्रेटरी रिसीवर, क्योंकि वो मैसेज रिसीव कर रही है, उसको वो काम करना है। तो बॉस ने कहा टेक दिस पेपर, ये पेपर लो और बर्न इट। सेक्रेटरी ने पेपर लिया, माचिस निकाला, उसको जला दिया, और राख उसके हाथ में है, अब जाकर थमा देती है बॉस को। आपने कहा, जब बॉस एक घंटे के बाद पूछता है कि जो पेपर मैंने तुम्हें दिया था बर्न करने के लिए वो कहाँ है, सेक्रेटरी बोलती है ये रहा सर, राख उसको सामने दिखा देती है। बॉस बहुत गुस्सा होता है, बहुत बुरा भला कहता है। अब इसमें यहाँ पे गलती क्या है, गलती किसकी है, सबसे पहले गलती दोनों की है, बॉस की भी है, सेक्रेटरी की भी है। सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्थिति में हो, मैसेज एकदम क्लियर कट भेजना चाहिए, उसमें नॉइज नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं आपको 100 tons ऑफ ऑयल भेज रहा हूँ, और ये बताना भूल जाऊँ कि कौन सा ऑयल भेज रहा हूँ, कितने टाइप का ऑयल होता है, सोचिए, मेन तो पहले पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, चार मेन ऑयल है। अगर आप इस बिजनेस में हो, आप चारों में से किस बिजनेस में हो वो आपको समझना है। मान लो आप इस किसी बिजनेस में नहीं हो, फिर आप कौन सा ऑयल की बात करो, तो वो आपको स्पेसिफिक आंसर करना होगा, बताना होगा। इसलिए बॉस की भी गलती है, उसने क्लियर नहीं किया कि टेक दिस पेपर एंड बर्न इट का मतलब क्या होता है ना, ये बर्न इट का मतलब क्या होता है। सेक्रेटरी को भी समझ में नहीं आया कि बर्निंग का मतलब यहाँ क्या है, उसने भी नहीं पूछा, उसकी भी गलती है, उसको भी पूछना चाहिए था कि व्हाट डज इट मीन सर, क्योंकि बर्न का बहुत सा मतलब होता है, बर्न का मतलब जला कर राख करना भी होता है, और इस बर्न का मतलब होता है बर्निंग इनटू सीडी, मतलब सीडी में कॉपी करना, इस पेपर को सीडी में कॉपी करो, दैट इज बर्न। बॉस ने उसको कहा टेक दिस पेपर, इस पेपर को सीडी में
जो पहले होता था आज से 4 साल 5 साल पहले, पहले सीडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था सीडी का। अब तो हम लोग बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए हैं, बहुत सब तरीके से कंप्यूटर पे काम होता है। अब तो सीडी का मुझे याद नहीं आता कि मैंने 5 साल में से अपना सीडी यूज़ भी किया हो कभी, है ना। तो टेक दिस पेपर एंड बर्न इट, बर्न इट मतलब बर्निंग इनटू सीडी, सीडी में कॉपी करना ही बर्निंग कहलाता है। तो कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक, समझोगे तभी उसका आप जवाब दे पाओगे, आंसर कर पाओगे, रिप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आपका सारा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको ये समझ में आया होगा। अगर लॉजिक पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड करना नहीं भूलना आप लोग, सो दैट कि और भी लोगों को फायदा पहुंचे। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।